हेलो एवरीवन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट ट्वेंटी सेवन ये वन शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशंस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में अबाउट मेंडल मेंडल्स वर्क पीरियड मेंडल्स स्टडी मटेरियल मेंडल्स लॉस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को और इसमें बीच में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी भी हैं तो वो भी इसके अंदर कवर होंगे ठीक है बाकी डिटेल में सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब पर हैं तो अब इसमें केवल आपको ये मतलब जो ये वन शॉर्ट वीडियो है इसमें केवल आपको सुनना है बोर्ड का वर्क नहीं है बोर्ड का वर्क सब जितने भी लॉज हैं सबके चार्ट इसकी सब वीडियो में डाल चुकी हूँ वॉट इज मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन वेच डील्स द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन क्या करेंगे हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन द ब्रांच जेनेटिक्स स्टार्टेड इन 1900 हंड्रेड आफ्टर द रिडिसकवरी ऑफ मेंडल्स वर्क क्योंकि उससे पहले जेनेटिक्स मेंडल ने वर्क किया था पर मैंडल को मतलब सभी को मालूम है कि मैंडल के जो फादर ऑफ मेंडल को फादर ऑफ़ जेनेटिक्स जो मिला था उनकी डेथ के बाद ओके ग्रेगर जॉन मेंडल इज राइटली कॉल्ड फादर ऑफ़ जेनेटिक्स टर्म जेनेटिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई टर्म जेनेटिक्स वॉज़ फर्स्ट यूज्ड बाई डब्लू बेट्सन वॉट इज़ मीनिंग ऑफ हेरिडिटी हेरिडिटी इंक्लूड्स द करेक्टर्स और मतलब कोई भी करेक्टर्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर और ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफिस स्प्रिंग्स कॉल्ड हेरिडिटी वॉट इज मीनिंग ऑफ वेरिएशन्स वेरिएशंस का मीनिंग डिफरेंसिस वो डिफरेंसेस मतलब दीज डिफरेंसेस आर जेनेटिकली डिफरेंसेस जो पास होते हैं पास फ्रॉम पेरेंट्स टू तो ऑफिस स्प्रिंग्स या फ्रॉम वन जनरेशन टू तो अदर एंड सेकेंड टाइप ऑफ डिफरेंसेस या वेरिएशन आर डिफरेंसेस ओके तो ये सब चीज़ें जो जेनेटिक्स की हैं स्टार्टिंग में अब मेन चीज़ इसमें आता है कि मैंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस अब मैंने ये बताया कि अबाउट मेंडल यहाँ पर जो हमें बताना है ग्रेगर जॉन मैंडल इनका बर्थ डेट 1822 से 18 डेथ का जो था 1884 एट्टी फोर हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स वॉज ए मॉन्क ऑफ ऑस्ट्रिया मॉन्क ऑफ ऑस्ट्रिया एंड ही वॉज़ ए टीचर इन ऑगस्टिनियन मॉन्स्ट्री एट ब्रून तो ये चीज़ थोड़ा सा इनमें है कि इनका वर्क पीरियड क्या था 1857 से इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए और गार्डन पी गार्डन पी मीन्स पाइसम सेटाइवम एक्सपेरिमेंट किए वर्क फॉर एट ईयर्स इन 1866 ही पब्लिश द रिजल्ट ऑफ इस एक्सपेरिमेंट इन एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ एन एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून तो इन्होंने जब अपने मतलब एक्सपेरिमेंट किए और पब्लिश होने के लिए डाल दिए थ्री डिकेट्स तक थर्टी फोर ईयर्स तक किसी को कुछ पता ही नहीं था कि मैंडल्स ने अपने वर्क को पब्लिश होने के लिए डाल दिया है तो आफ्टर थर्टी फोर ईयर्स दिस वर्क ऑफ मैंडल रिमेन हिडन और बरीड एंड इट वॉज इन नाइनटीन हंड्रेड थ्री साइंटिस्ट सेपरेटली रीओपन द मंडल्स वर्क और वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे फर्स्ट ह्यूगो यूगोडिब्रीज बिलोंग्स टू हॉलैंड कार्ल कॉरेंस बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग टू ऑस्ट्रिया एंड शेरमैक मैक होता है शेरमैक बोलते हैं बिलोंग टू ऑस्ट्रिया थ्री साइंटिस्ट कौन कौन से बोलोगे यूगोडिबरीज बिलोंग टू हॉलैंड कार्ल कॉरेंस बिलोंग टू जर्मनी एंड मैक बिलोंग टू ऑस्ट्रिया ओके मेंडल्स स्टडी मटेरियल या मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मेंडल चूज या मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट पाइसम सेटाइवम फॉर फॉरिज एक्सपेरिमेंट ऐसा क्यों क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे सबसे पहले क्या बोलोगे शॉर्ट लाइफ स्पेन आफ्टर केयर मतलब इसमें जो जर्मिनेशन के बाद सीड को तुमने जर्मिनेट कर दिया उसके बाद आफ्टर केयर की भी कोई ज़रूरत नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इफ सेल्फ पोलिशन डज नॉट अकर क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस क्रॉस पॉलीनेशन के लिए क्योंकि बाई सेक्शुअल है तो क्या जरूरत होगी इसके अंदर मतलब क्रॉस पॉलिनेशन अगर स्पेशली कराना है तो ई मेस्कुलेशन इज नेसेसरी ई मेस्कुलेशन इज नेसेसरी बाकी इसमें हर्माफ्रोडाइट है फ्लैट जो है हर्माफ्रोडाइट और फर्ट जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनके अंदर यानी कि पॉलीनेशन सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस हो सकती है मेन चीज़ ये है कि एक सीड के ग्रो करने से हंड्रेड्स ऑफ सीड्स आर फाउंड ओके अब इसमें सबसे मेन ये था कि पी प्लांट हैज सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट हैज सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और वो सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को बच्चे कैसे लर्न करेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे प्लांट की हाइट और डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर साथ में देने हैं तो प्लांट की हाइट में डोमिनेंट टॉल एंड रिसेसिव डॉर्फ सेकेंड इज़ फ्लार पोजिशन फ्लार पोजिशन में एक्जियल एंड टर्मिनल फ्लार का कलर पर्पल और वाइट या रेड और वाइट फिर इसके बाद दो करेक्टर हमें पॉड के लेने हैं पॉड की शेप इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट होता है ग्रीन एंड येलो दो करेक्टर हमें सीड के लेने हैं सीड की शेप राउंड एंड रिंकर्ड और सीड के जो कलर लेना है वो येलो एंड ग्रीन तो सेवन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो मेन हैं और हर एक करेक्टर वन करेक्टर एक्ट एज यूनिट क्योंकि एक एक करेक्टर्स को लेकर ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने मतलब वन वन कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किया था ठीक है ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पर आ जाओ कि ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ट्रेड्स और फैक्टर्स और जीन्स और क्या कहोगे एलील और एलीलो ठीक है तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलील इसको क्या बोलोगे ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एलील और एलीलो ओके अब इसके बाद हमें आता है कि जो टर्मिनोलॉजी में थोड़ी सी है जैसे होमोजाइगस हैट्रोजाइगस मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप जीनोटाइप थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्रॉस बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल्स के जो टू लॉज हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों किस में आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वॉट इज मीनिंग ऑफ फिनोटाइप एक्सटर्नली एपियर्ड करेक्टर दोज करेक्टर विच आर एक्सटर्नली एपियर्ड अब जैसे हाइट का करेक्टर है तो टॉलनेस हमें बाहर से दिखाई दे रहा है टॉल है ड्वार्फ है तो ये फीनोटाइप और जीनोटाइप मीन्स वेन कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस बाई इट्स इट्स जीन्स मतलब जो उसकी जीन्स के थ्रू रिनोट करोगे अब मान लिया मैं तुमसे कहूँ कि टॉलनेस का करेक्टर है तो टॉलनेस के करेक्टर की प्लांट हैविंग टू टाइप ऑफ जीन्स कैप्ट आइदर कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ड्वार्फ होगा तो स्मॉल टी स्मॉल टी तो इसमें अब दो ऑप्शन आते हैं विच ऑप्शन इज राइट कि वैन वन मतलब वन फिनोटाइप हैज़ मैनी जीनो टाइप एंड वन जीनो टाइप हैज़ मैनी फिनोटाइप क्या बताओगे अगर एक फिनोटाइप मैंने टॉलनेस का एग्जाम्पल दिया था तो इसके दो जीनोटाइप हो सकते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है कि वन फिनोटाइप हैज़ मैनी जीनोटाइप ओके अब इसमें सेकेंड अगर हम ये कहेंगे होमोजाइगस तो होमोजाइगस किसे कहोगे ऑर्गेनिज्म हैविंग टू सिमिलर जीन्स ऑर्गेनिज्म हैविंग टू सिमिलर जीन्स और एलिस् फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड होमोजाइगस या होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर प्रजेंट होती हैं जो जीन्स और सिमिलर हैं फॉर एग्जाम्पल कैपिटल्टी कैपिटल्टी होमोजाइगस स्मॉल टी स्मटी होमोजाइगस मतलब ये दे मे भी डोमिनेट और रिसर्सिव सेम सिमिलर टाइप और हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड किसे कहोगे कि ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग टू डिफरेंट एलील्स और मतलब एलील्स और जीन्स कंटेनिंग बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैपिटल टी स्मॉल टी है कैपिटल आर स्मॉल आर है कैपिटल वाई स्मॉल वाई है जिसमें दोनों टाइप की एलील होंगी उसको हम क्या बोलेंगे मतलब दोनों टाइप की एलील दोनों टाइप की एलील का मीनिंग अब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर दिस इज़ हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड ठीक है मैंडल्स लॉज में क्या क्या है मैंडल्स मतलब थ्री लॉज लॉ law, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ़ गैमिट्स ओके सबको क्लियर हो रहा होगा अब इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का कैसे मतलब उसके लॉ को क्या डिफाइन करोगे कैसे डेफिनेशन दोगे कि वैन ए पेयर ऑफ वैन ए पेयर ऑफ एलील्स एलिलोमॉर्फ आर ब्रॉड टूगेदर इन एफ वन हाइब्रिड दैट ओनली वन ऑफ द या दैन ओनली वन ऑफ दैम एक्सप्रेस इन एफ वन एंड अदर इज हिडन अदर इज कम्प्लीटली हिडन तो वो उसमें क्या कहोगे कि जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी डोमेंट स्मॉल टी डिव तो जो करेक्टर है पियर होगा हाइब्रिड टॉल इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस वेन

लॉ ऑफ डोमिनस में कैपिटल आर स्मॉल आर इसको हम क्या बोलेंगे हाइब्रिड रेड तो रेड का करेक्टर एफ वन में एपियर हो गया और जो वाइट है वो हिडन हो गया ठीक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स इसको क्या कहोगे कि वेन ए पेयर ऑफ एलील्स और एलिमोर फार ब्रॉड टुगेदर इन एफ वन जनरेशन देर रिमेन टुगेदर और को एग्जिस्ट विदाउट मिक्सिंग एंड कंटामिनेटिंग और ब्लेंडिंग विद ईच अदर एंड सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन इन प्योर फॉर्म सो इट इज नोन एज लॉ ऑफ सैग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स बिकॉज गैमिट्स है गैमिट्स कंटेनिंग गैमिज कंटेनिंग जीन्स आर इन प्योर फॉर्म जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो एक गैमिट में क्या होगा कैपिटल टी दूसरे में क्या होगा स्मॉल टी कभी भी दोनों में मिक्सचर नहीं होंगे इसलिए इसको क्या बोलोगे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ Gametes। तो इसका अगर चार्ट वगैरह किसी का भी देखना है तो मैंने कम्प्लीट वीडियोज़ डाली हुई हैं वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और वीडियो देखने के लिए प्ले पर जाइए वहाँ मैंने सब फोल्डर डाले हुए हैं फोल्डर में मतलब जो भी चैप्टर का नेम है उस चैप्टर में खोल सकते हैं वीडियो को खोल के देख सकते हैं ओके अब आता है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस वैन क्रॉस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस एग्जाम्पल किस में कराते हैं येलो राउंड मतलब येलो राउंड येलो जो है वो सीड राउंड सीड का मतलब दोनों ही कैरेक्टर सीड के हो गए कलर भी और शेप भी ग्रीन रिंकर्ड तो जब सीड की शेप और सीड के कलर दोनों में हम इसको क्रॉस करा रहे हैं ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जब दो से ज़्यादा करेक्टर को लेकर क्रॉस कराएंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ठीक है तो इसमें जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इसमें तुम्हें नंबर ऑफ़ फिनोटाइप या नंबर ऑफ़ जीनो या नंबर ऑफ गैमिट्स अगर किसी बच्चे को निकालने हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर फार्मूला है नंबर ऑफ फिनो का फार्मूला टू की पावर एन नंबर ऑफ फिनोटाइप का फार्मूला क्या निकालोगे टू की पावर एन नंबर ऑफ़ गैमिट्स का फार्मूला कि गैमिट्स कितने निकलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तब इसका है टू की पावर एन यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है टू की पावर एंड टू की पावर वन तो इस कितने गैमिट्स होंगे टू या तो कैपिटल टी का होगा या स्मॉल टी ठीक है अगर मान लिया नंबर ऑफ डाई क्रॉस है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर येलो राउंड सीड है तो जब ये इसके गैमिट्स निकालोगे गैमिट्स कितने टाइप के हैं फोर टाइप्स कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर फोर टाइप्स ऑफ गैमेट्स तो फॉर्मूला क्या लगाया टू की पावर टू यानी कि फोर टाइप्स पर अगर नंबर ऑफ जीनो टाइप निकालना है तब फॉर्मूला लगता है थ्री की पावर एन ओके फॉर्मूला क्या लगाओगे थ्री की पावर एन एन नेम ऑफ कोई भी मतलब टाइप ऑफ क्रॉस मोनोहाइब्रिड होगा थ्री होंगे जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो थ्री टाइप्स के निकलते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, टी और स्मॉल टी स्मॉल टी तो जीनो टाइप जो होगा वन इस टू तो टू इस टू तो वन ओके तो इसी तरीके से अब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जब क्रॉस निकालेंगे मतलब क्रॉस कराते हैं येलो राउंड और ग्रीन लिंकर्ड सीड में तो एफ एफ वन में तो हंड्रेड परसेंट हाइब्रिड सीड आएंगे पर एफ टू जनरेशन में जो रेशो आएगा फिनोटिपिक रेशो इज़ नाइन इस टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन पर जो इसका जीनो टाइप रेशो आएगा उसको सब बच्चों को लर्न करना है वन इज़ मतलब वैसे तो जो, जो जनरल है बेसिक जो है मैं अभी बताऊँगी किस तरीके से बच्चे लर्न करते हैं पर वैसे क्या करोगे वन इज़ टू टू इज़ टू टू इज टू फोर वन इज़ टू टू इज़ टू टू इज टू फोर इज़ टू वन इज़ टू टू इज़ टू वन इज टू टू इज टू वन यानी कि बच्चे जो वैसे जनरली बेसिक लर्न कर लेते हैं ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ट्वेल्व ट्वेल्व वन ओके okay, तो ये जीनोटिपिक रेशियो है एन में भी कि टीचर की हेल्प से जीनोटिपिक रेशियो को निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं मैंने वीडियो डाली हुई है वहाँ पर आप देख सकते हैं अब आता है हमारा कि जब ये मतलब टर्मिनोलॉजी में एक आता है बैक क्रॉस और एक होता है टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्या है वेन क्रॉस बिटवीन एफ वन हाइब्रिड विद एनी ऑफ द पेरेंट आई द डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस मतलब एफ वन हाईब्रिड का किसी भी पेरेंट के साथ सेल्फिंग नहीं क्रॉस कराएंगे इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस और वैन एफ वन हाईब्रिड इज क्रॉस्ड विद ओनली रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस तो इसमें भी दो टर्म दो मतलब सेंटेंस दे रखे हैं कि बैक क्रॉस इज़ ए टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस या टेस्ट क्रॉस इज़ ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस तो आंसर क्या होगा टेस्ट क्रॉस इज़ ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस ओके अब आता है कि जो डेविएशन है डेविएशन डाई हाइब्रिड क्रॉस की भी हैं और डेविएशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस की भी हैं पर डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेविएशन मैं इसमें नहीं डालूंगी इसमें केवल मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेविएशन वो दो हैं कौन कौन सी एक तो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक होता है कोडमिनंस डेविएशन का मीनिंग कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो मेंडल ने जब वर्क किया था उस समय ये रीडिस्कवर मतलब ये डिस्कवर नहीं हो पाए थे मेंडल की डेथ के बाद साइंटिस्ट ने अलग अलग इनको किया था तो कुछ फ्लावर्स कुछ एनिमल्स के अंदर जो मतलब ब्लड का है जैसे तो कुछ ऐसे शो करते हैं कि जो मेंडल्स के लॉ को शो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं उनको बोला जाता है डेविएशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों टाइप के पहली बात तो जो रेशो आएंगे एफ टू जनरेशन में फिनोटाइप भी और जीनो टाइप बोथ आर वन इज टू टू इज टू वन एंड वन इज़ टू टू इज टू वन तो इसमें किस तरीके से कहोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि टू जीन्स या टू एलिलिक पेयर्स डू नॉट शो डोमनें रिसिव रिलेशनशिप बट वैन प्रजेंट साइमल्टेनियसली और कम टूगैदर दे शो इंटरमीडिएट करेक्टर फॉर एग्जाम्पल इन फोर ओ क्लॉक प्लान्ट फोर ओ क्लॉक प्लांट कौन सा होता है मिराबिलिस जलापा फोर ओ क्लॉक प्लांट वैन क्रॉस बिटवीन रेड फ्लार एंड वाइट फ्लार इन एव वन जनरेशन हंड्रेड परसेंट पिंक फ्लार आर ऑप्टेड मतलब F1 में पिंक फ्लावर आए हैं तो पिंक फ्लावर का मतलब ना तो डोमिनेंट करेक्टर शो हुआ ना ही रिसेसिव करेक्टर शो हुआ दोनों का इंटरमीडिएट करेक्टर और जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो F2 में 25 परसेंट क्या होंगे रेड 50 परसेंट पिंक एंड 25 परसेंट वाइट ऐसा क्यों हुआ अगर मैं इसको कहूँ कि ये ब्लैंडिंग है ब्लैंडिंग इनहेरिटेंस है तो सारे पिंक आने चाहिए रेड और वाइट सेपरेट ही नहीं होने चाहिए तो ये ब्लेंडिंग नहीं है इंटरमीडिएट है ये इफेक्ट जो होता है वो जीन्स का मतलब इनके अंदर जो जीन्स का इफेक्ट है वो करेक्टर वो इफेक्ट होता है कैपिटल आर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर डोमिनेंट जीन है इस डोमिनेंट के जीन डोमिनेंट जीन की वजह से जो कलर प्रोड्यूस होगा वो मतलब परफेक्ट कलर प्रोड्यूस होगा तो फ्लावर रेड होंगे पर कैपिटल आर स्मॉल आर है कैपिटल आर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव जीन प्रॉपर कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ मतलब जीन ने अपना इफेक्ट प्रॉपर नहीं दिखाया तो इसलिए प्रॉपर रेड कलर ना के क्या आएगा पिंक कलर और तीसरा जो होता है स्मॉल आर स्मॉल आर ये इन्होंने इस तरह की जीन्स हैं जो अपना कलर शो ही नहीं कर रही तो ये कैसे हो जाएंगे वाइट इसलिए इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं बोलोगे ओके अब अगला आता है कोडोमिनेंस नेम से ही क्लियर है कोडो अच्छा सॉरी इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एन में एक और एग्जाम्पल है स्नैप ड्रगन स्नैप ड्रगन का बायोलॉजिकल नेम एंटी राइनम मेजस वो भी क्या शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस उसमें भी रेड फ्लार क्रॉस मतलब व्हेन क्रॉस रेड फ्लार ऑफ एंटीराइनम विद वाइट फ्लार इन एफ टू जनरेशन दे शो रेड पिंक एंड वाइट इन वन इज टू टू इज टू वन आइदर जीनोटाइप और फिनोटाइप बोथ बोथ टाइप ऑफ रेशोज़ आर सेम ठीक है अब आता है हमारे पास कोडोमिनस को डोमिनेंस का मीनिंग कि वैन द टू जीन्स नाइदर शो डोमिनेंस नॉट रिसेसिव बट दे शो मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों अलग अलग प्रॉपर शो नहीं कर रहे बोथ कैरेक्टर्स आर एपियर इन एफ वन डोमिनेट और रिसेसिव दोनों ही एफ वन में आ गए जैसे रोन कलर इन कैटल काव को देखा है या तो कोई का वाइट है या पूरी ब्लैक है पर एक काव तुमने ऐसी भी देखी है जो ब्लैक एंड वाइट दोनों हैं फेस का हिस्सा या बैक का हिस्सा ब्लैक हो गया बाकी सारा वाइट है या इसी तरीके से ब्राउन वाले में भी होता है रेड और जो ब्राउन या रे, रेड और वाइट सॉरी रेड और वाइट वाला जो कह दो रोन कलर तो वो रोन कलर क्या है को डोमिनेंस मतलब बोथ टाइप ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर अपियर इन एफ वन जनरेशन ठीक है तो इसी तरीके से अब दूसरा है ए बी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस ए बी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस ए बी मतलब मदर का ब्लड ग्रुप है फादर का ब्लड ग्रुप भी बच्चे के अंदर चारों ब्लड मतलब उस फैमिली में चारों ब्लड ग्रुप आएंगे ए बी आएगा बी बी आएगा ए बी भी आएगा ओ भी आएगा पर जिस बच्चे के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है तो इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप शोज कोडोमिनेस क्या शो कर रहे हैं कोडोमिन तो इस तरीके से इस वन शॉर्ट वीडियो में यहाँ तक मैंने को डोमिनेंस तक ये कवर किया है और एक बात का और ध्यान रखना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पी प्लांट में हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम आंसर होगा फोर्टीन क्रोमोसोम सेवन पेयर ऑफ क्रोमोसोम और सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने क्रोमोसोम पर हैं क्या सेवन पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर हैं आंसर होगा नो दे आर प्रेजेंट ओनली फोर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दीज क्रोमोसोम्स आर वन फोर फाइव सेवन कौन से क्रोमोसोम होंगे वन फोर फाइव सेवन वन क्रोमोसोम पर फ्लावर कलर सीड कलर सेकेंड क्रोमोसोम पर तो तीन सारे तीन करेक्टर आ गए हैं फ्लार की पोजीशन आ गई है इसके अंदर फ्लार की पोजीशन स्टेम मतलब स्टेम की हाइट है पॉड का है पॉड की फॉर्म फिफ्थ पर हो गया कि सीड का कलर क्या है पॉड की शेप क्या है वो सेवन्थ पर हो गई है तो वन फोर फाइव सेवन पर ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं ठीक है ओके तो अगर ये अच्छी लगी वीडियो लाइक करना शेयर करना ठीक है और बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट पर जाकर कहाँ देखोगे वहाँ पर फोल्डर्स हैं उन फोल्डर्स में आप देख सकते हैं ओके थैंक यू